हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है हर्शेज एक्सपेरिमेंट। अभी हम पढ़ रहे हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हमने दो एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी पढ़े हैं। फर्स्ट इज ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, सेकंड इज द एवरीज एक्सपेरिमेंट, और आज हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वाला एक्सपेरिमेंट, दैट इज हर्शेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देयर बाय टू साइंटिस्ट, एक का नाम अल्फ्रेड हर्शे और दूसरे का नाम मर्था चेज। उन्होंने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी क्या जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। पहले साइंस को लगता था कि प्रोटीन वुड बी द जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज प्रोटीन्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन द डीएनए, और जेनेटिक मटेरियल वो समझते थे इट वुड बी ए कॉम्प्लेक्स मटेरियल, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है इसको बहुत सारी ट्रेट्स को कंट्रोल करना है। लेकिन प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस साइंटिस्ट्स के पास नहीं था। ठीक है, तो मार्था चेज और अल्फ्रेड हर्शे ने 1952 में एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, दे यूज्ड वायरस नोन एज बैक्टीरियोफेज। उन्होंने बैक्टीरियोफेज को लिया फॉर दियर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बैक्टीरियोफेज क्यों लिया, क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज है इट हैज ओनली टू पार्ट्स, इसकी आउटर प्रोटीन कवरिंग है और इस प्रोटीन कवरिंग के अंदर इसका डीएनए। यही सर्च करना था वेदर डीएनए और प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इनको ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म लेना था जिसमें सिर्फ ये दो चीजें होंगी, डीएनए और प्रोटीन। तो उन्होंने क्या लिए, उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिए। जो बैक्टीरियोफेज है ये वायरस होते हैं, दे आर वायरस विच किल बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे बैक्टीरियोफेज जो है इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इसकी जो शेप है, शेप अगर आप देखोगे इट इज टैडपोल शेप्ड, टेडपोल शेप। टेडपोल इज लार्वा ऑफ द फ्रॉग। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे कि दिस वायरस इट हैज टू पार्ट्स, इट हैज दिस आउटर कवरिंग जो मैंने यहां पर ब्लैक कलर से बनाया है, दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज द कैप्सिड विच इज द प्रोटीन कोट प्रेजेंट इन वायरस, इट इज प्रोटीन कोट। कैप्सिड जो है ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन कोट। इस प्रोटीन कोट के अगर आप देखेंगे इसके दो पार्ट होते हैं, ये जो ऊपर वाला आप पार्ट देख रहे हैं कैप्सिड का, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हेड, और ये नीचे वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं इट है इट इज कॉल्ड एज टेल। इस टेल के बेस पर अगर आप देखेंगे वी हैव बेसल प्लेट, बेसल प्लेट विच हैज ए स्मॉल ओपनिंग थ्रू विच दिस बैक्टीरियोफेज इट इंजेक्ट्स इट इज जेनेटिक मटेरियल इनटू द बैक्टीरियल सेल। यहां पर आप देखेंगे हेड के अंदर प्रेजेंट है इस वायरस का जेनेटिक मटीरियल विच इज डीएनए, और यहां पर जो डीएनए है इट इज डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड। को याद रखना दो दो स्ट्रैंड होती है इनके डीएनए में, और देयर इज ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन ए बैक्टीरियोफेज, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। और यहां पर डीएनए क्या है, यहां पर डीएनए जो है इट इज लीनियर नॉट सर्क्यूलर, यह आपको याद रखना है। और यहां पर आप देखिए टेल के एंड पर आपको टेल फाइबर्स भी मिलेंगी, टेल फाइबर्स, दीज टेल फाइबर्स हेल्प दीज वायरसेस टू अटैच देमसेल्व्स ऑन द सर्फेस ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक, जिस बैक्टीरियोफेज को यूज किया मार्था और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो बैक्टीरियोफेज है टी टू बैक्टीरियोफेज, आपको याद रखना है। और टी टू बैक्टीरियोफेज जो है ये इकोलाई सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, इकोलाई सेल्स को ये इन्फेक्ट करते हैं, यह आपको याद रखना है। हर्शेज एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले आपको समझना होगा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन, और इस डिफरेंस का फायदा उठाया हर्शेज ने। ये डिफरेंस है दैट डीएनए जो है इसमें फास्फोरस प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोटीन्स में फास्फोरस जो है ये एब्सेंट होता है। इस तरह से डीएनए में सल्फर जो है इट इज एब्सेंट, व्हाइल एज इन प्रोटीन सल्फर इज प्रेजेंट। तो अगर हम सल्फर का रेडियो आइसोटोप यूज करेंगे, सल्फर 35 जो कि रेडियो आइसोटोप है किस एलिमेंट का, सल्फर का, और जो कि रेडियो एक्टिव है, यूजिंग दिस सल्फर 35 वी कैन ट्रेस प्रोटीन्स। हम ये देख सकते हैं जो प्रोटीन है बैक्टीरियोफेज का, क्या वो सेल के अंदर जाता है या नहीं जाता है। इसी तरह से डीएनए में हम फॉस्फोरस 32 को यूज कर सकते हैं, विच इज द रेडियो आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस, यानी ये जो एटम्स होते हैं फॉस्फोरस के ये इमिट करते हैं रेडिएशंस। इस फॉस्फोरस 32 को हम यूज कर सकते हैं टू डिटेक्ट डीएनए, हम बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो देख सकते हैं क्या डीएनए सेल के अंदर जाता है या सेल के बाहर ही रहता है। और यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, जो चीज सेल के अंदर जाएगी वही जेनेटिक मटीरियल है। अगर प्रोटीन सेल के अंदर जाएगा तो इसका मतलब है प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटीरियल, और अगर डीएनए सेल के अंदर जाएगा इसका मतलब है डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल।
जो भी चीज इनमें से सेल के अंदर से रेडिएशन इमिट करेगी वही चीज है जेनेटिक मटीरियल। चलिए आप समझते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय हर्शे एंड चेज। हर्शे चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया है और हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट जो है इसको हम दो स्टेप्स में समझेंगे। पहले स्टेप्स में हर्शे चेज ने ऐसे बैक्टीरियोफेजेस तैयार किए जिनका प्रोटीन कोट जो है वो रेडियो एक्टिव है। आपको याद रखना है यहां पर आप देख सकते हैं ये जो वायरसेस उन्होंने तैयार किए, मैंने आपको एक वायरस पार्टिकल दिखाया, उन्होंने बहुत सारे तैयार किए थे। यहां पर इनका जो प्रोटीन कोट है दैट इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव इसलिए क्योंकि इस प्रोटीन कोट में प्रेजेंट है सल्फर 35, सल्फर 35 विच इज द रेडियो आइसोटोप ऑफ सल्फर, ये आपको याद रखना है। और जिस किसी प्रोटीन में सल्फर 35 प्रेजेंट होगा वो प्रोटीन रेडिएशन इमिट करेगा और इसलिए उस प्रोटीन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। और यहां पर अगर आप देखेंगे इस वायरस का जो डीएनए है दैट इज नॉर्मल डीएनए क्योंकि इसमें प्रेजेंट है फास्फोरस 31 विच इज द नॉर्मल आइसोटोप ऑफ फास्फोरस। तो इस वायरस पार्टिकल का हम प्रोटीन डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन इसका डीएनए हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो वायरस पार्टिकल्स थे इन वायरस पार्टिकल्स को उन्होंने ऐड किया इन द इकोलाई कल्चर। ये आप देख रहे हैं फ्लास्क, इस फ्लास्क में इकोलाई बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। जब इसमें वायरस डाले जाएंगे ये वायरस क्या करेंगे, ये वायरस अपने आप को अटैच करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल और उसके बाद अपना जेनेटिक मटेरियल ये इंजेक्ट करेंगे और बाहर क्या रहेगा, बाहर रहेगा प्रोटीन कोट, खाली प्रोटीन कोट, जिस प्रोटीन कोट के अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा क्योंकि जेनेटिक मटेरियल हैज बीन इंजेक्टेड इन टू द इकोलाई सेल्स। तो यहां पर आप देखिए इंफेक्शन हो चुका है, इंजेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो चुका है और उसके बाद इस फ्लास्क का जो कंटेंट है उसको ट्रांसफर किया जाता है इनटू द ब्लेंडर। ठीक है, इस ब्लेंडर के अंदर होते हैं शार्प ब्लेड्स। ये शार्प ब्लेड्स क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल के सरफेस पर जो भी वायरल प्रोटीन कोट्स अटैच होते हैं उनको ये अलग करते हैं। इसके बाद ब्लेंडर का जो कंटेंट है उसको टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है और टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। सेंट्रीफ्यूज में टेस्ट ट्यूब्स को बहुत तेजी से घुमाया जाता है, दिस प्रोसेस नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है वो सेपरेट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। जो हैवियर मटीरियल है वो नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाएंगे और यहां पर आपको सॉलिड मटीरियल मिलेगा, दिस सॉलिड मटीरियल इज नोन एज पैलेट। और इस सॉलिड मटेरियल के ऊपर आपको एक लिक्विड मिलेगा, दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज सुपरनेटेंट। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए जो पैलेट है दिस पैलेट कंटेन्स इकोलाई सेल्स और यहां पर उन्होंने क्या देखा कि जो रेडिएशंस है वो इमिट हो रही है फ्रॉम सुपरनेटेंट और इकोलाई सेल के अंदर से कोई भी रेडिएशंस इमिट नहीं हो रही है। तो इससे हमें एक बात समझ आती है, जो प्रोटीन है वो सुपरनेटेंट में है और प्रोटीन जो है वो इकोलाई सेल्स के अंदर नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दैट प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं सिर्फ जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो हमें रेडिएशन कहां से मिलती, फ्रॉम विद इन द इकोलाई सेल्स रेडिएशन इमिट होती। तो यहां पर इस स्टेप से प्रूव होता है प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन को इंजेक्ट नहीं किया जाता है इनटू द इकोलाई सेल्स, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में हर्शे और चेज ने ऐसे वायरसेस तैयार किए, इन वायरसेस में जो प्रोटीन कोड था वो नॉर्मल था बिकॉज इट कंटेन्ड सल्फर 32 विच इज नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ सल्फर। ठीक है ना, और यहां पर आप देखिए जो डीएनए है यहां पर इन वायरसेस का वो है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव दिस मीन्स दिस डीएनए विल इमिट और रेडिएशन बिकॉज इस डीएनए में प्रेजेंट है फॉस्फोरस 32। फॉस्फोरस 32 इज द आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस विच इमिट रेडिएशन, इतना आपको याद रखना है। तो इसका मतलब है इस वायरस का हम डीएनए डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन इसका प्रोटीन जो है वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डीएनए इज रेडियो एक्टिव नाउ। इसके बाद इन वायरसेस को ऐड किया जाता है इन द इकोलाई बैक्टीरियल कल्चर। यहां पर आप देख सकते हैं इस फ्लास्क में इकोलाई सेल्स जो है वो ग्रो कर रही है, इसमें ऐड किया जाता है इन वायरस पार्टिकल्स को ताकि ये वायरस पार्टिकल्स जो है ये इन्फेक्ट कर सके इन इकोलाई सेल्स को, अपना जेनेटिक मटीरियल ये इंजेक्ट कर सके। कुछ टाइम वेट करने के बाद इस फ्लास्क का जो कंटेंट है उसे ट्रांसफर किया जाता है इनटू द ब्लेंडर। अगेन आई एम टेलिंग यू ब्लेंडर में शार्प ब्लेड्स होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं वायरल प्रोटीन कोट को फ्रॉम द
बैक्टीरियल सेल्स। फिर ब्लेंडर का कंटेंट जो है टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है, टेस्ट ट्यूब को फिर सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है ताकि सेंट्रीफ्यूगेशन की जाए जो भी मटेरियल है इस टेस्ट ट्यूब में, और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी मटेरियल है ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। बॉटम पर हमें एक सॉलिड चीज मिलती है, दिस सॉलिड थिंग इज कॉल्ड एज पैलेट, और यहां पर ऊपर लिक्विड मटेरियल हमें मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज सुपरनेट। नाउ हर्षित चीज को क्या देखना था, हर्षित चीज को देखना था कि जो रेडिएशंस है ये कहां से आ रही है इस स्टेप में। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा जो ये इकोलाई सेल्स जो पैलेट में प्रेजेंट है यहां से इमिट हो रही है रेडिएशंस, और सुपरनेटेंट से रेडिएशन जो है वो इमिट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो ये वायरस है इसका डीएनए चला गया है इनसाइड दीज इकोलाई सेल्स, इसलिए उस डीएनए से रेडिएशन इमिट हो रही है, क्योंकि इस वक्त जो रेडियो एक्टिविटी जो है वो कौन दिखाता है, वो दिखाता है इन वायरस का डीएनए। सो इन वायरस का डीएनए चला गया है इनसाइड द इकोलाई सेल और जो रेडिएशन है वो इमिट हो रही है इसी डीएनए से। तो यहां से प्रूव होता है कि जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है यही चला जाता है इकोलाई सेल्स के अंदर, यानी डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो इस तरह से हर्षित चीज ने प्रूव किया था दैट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। होप आपको यह लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।